और मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने आज से अपना पेमेंट बैंक शुरू कर दिया है। बैंक की पहली ब्रांच नोएडा में शुरू की गई है। इसके अलावा 31 ब्रांच और 3000 कस्टमर सर्विस पॉइंट और खोले जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट पर 4% ब्याज के साथ ही कैशबैक भी देगा। पहले 10 लाख पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट कस्टमर्स को 25,000 रुपए जमा करने पर उन्हें 250 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और मिनिमम बैलेंस पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। पेटीएम बैंक रुपे डेबिट कार्ड भी देगा। कंपनी 2020 तक 50 करोड़ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिसके लिए कंपनी अगले 2 साल में 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। फिलहाल पेटीएम के पास करीब 22 करोड़ ग्राहक हैं जो उसके डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स के मौजूदा पेटीएम वॉलेट पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 23 मई यानी कि आज तक अगर यूजर चाहे तो कंपनी को ईमेल कर ऐसा करने से मना कर सकता है।